रेलमगरा उपखंड क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरीबा का उपखंड अधिकारी मनसुख राम डामोर द्वारा निरीक्षण कर दरीबा सीएचसी के चल रहे निर्माण कार्य की भी जांच की गई, जिसमें घोर अनियमितता एवं लापरवाही सामने आई। उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण में पाया कि हिंदुस्तान जिंक वेदांता द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक वार्ड तथा गार्डन का निर्माण किया जाएगा, लेकिन इस निर्माण कार्य में पूरी तरह से घोर लापरवाही बरती जा रही है। उपखंड अधिकारी को सीएससीसी प्रभारी डॉक्टर प्रवीण गर्ग ने बताया कि चिकित्सालय में फर्श लगाने का कार्य किया गया है, लेकिन पूर्व से कोटा स्टोन लगा हुआ था, जिसे नहीं हटाकर उसके ऊपर ही टाइल्स लगा दी गई। इसके अलावा विगत 2 माह से अस्पताल में कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक केवल नींव ही भरी गई है तथा निर्माण कार्य के संबंध में हिंदुस्तान जिंक वेदांता के प्रतिनिधियों से वार्ता करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। निर्माण कार्य में मौके पर आरसीसी के पिलर खड़े हुए हैं, जिसमें एक पिलर तो झुका हुआ पाया गया तथा मौके पर पड़ी हुई बजरी में पूरी तरह से मिट्टी मिली हुई है तथा जो सीमेंट की ईंट पड़ी हुई है वह भी अत्यंत ही निम्न श्रेणी की है। यदि उक्त निर्माण सामग्री से चिकित्सालय का वार्ड बनाया गया तो कभी भी दुर्घटना कारित हो सकती है। सीएससीसी प्रभारी ने उपखंड अधिकारी को बताया कि चिकित्सालय परिसर में निर्माण सामग्री पड़ी होने से चिकित्सालय पर आने वाले मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा इस निर्माण कार्य के केवल मजदूर ही आते हैं, कोई जिम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है। उपखंड अधिकारी ने सीएचसी इंचार्ज से चल रहे निर्माण कार्य के संबंध में स्वीकृत लेआउट प्लान मांगा तो इस प्लान में कंपनी के किसी भी अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या इस निर्माण कार्य में कितनी राशि खर्च होनी है। इस दौरान रेल मगरा के तहसीलदार ईश्वर लाल खटीक, पटवारी हल्का मेहंदूरिया हीरा लाल सालवी आदि उपस्थित थे।